और यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश हो रही है, भयंकर तो नहीं कह सकते लेकिन बारिश इतनी है कि कंफर्ट नहीं है बाहर से वीडियो शूट करने में। तो स्टार्ट करते हैं हाउस के अंदर से ही, और जो एलिवेशन है वो मैं आपको यहीं से दिखा दूंगा। इतना प्यारा घर है, ये तो कन्फर्म है कि आज तक जितने हाउस मैंने आपको दिखाए उनसे सबसे बेटर डिज़ाइन इसकी होने वाली है। सबसे शानदार तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है, देखिए जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। और स्टार्ट करते हैं हम एक बार बाहर पोर्च एरिया से। देखिए ये घर कम टोटल जो है 108 गज में बना हुआ है। इसमें देखिए सामने की तरफ ये पार्किंग एरिया है, और पार्किंग एरिया में आराम से आप अपनी कार यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। बाहर की तरफ से एक बार दिखा दीजिए आप, जैसे एलिवेशन यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आसपास जो सराउंडिंग एरिया, सामने की तरफ के मकान, ये सब देख लो। और अपना ये जो मेन जो आपका गेट है ये देखो कितनी बढ़िया डिजाइन के साथ में है। आ जाइए आप, बिक जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पार्किंग एरिया इतना है कि आराम से आपकी कार पार्क हो जाएगी। ये डिज़ाइन से एक बार आप देखिए कैसी है। सिक्कर रोड पे जो 5 नंबर है उसके नियरेस्ट आज का ये हाउस है। फुली फर्निश्ड आपको मिलने वाला है, और डिजाइंस ऐसी है कि आप खुद देख के कहने वाले हैं कि यार वाकई डिजाइंस बहुत ही प्यारी है। यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है कितना अच्छे से डिजाइन किया है। मेन जो आपका डोर है इसकी जो फिनिशिंग है वो आप देख लीजिए। और यहीं से आप आ जाइए घर के अंदर, ये देखिए ये कितना खूबसूरत पार्ट यहाँ पे डिजाइन करके दे रहे हैं आपको। हाइट भी बहुत अच्छी है। एंटर करते ही सबसे पहले आपका यहाँ पे एक ड्राइंग एरिया आता है जहाँ पे सोफा अरेंज किया हुआ है, और पीछे का जो पार्ट है वॉल का वो आप देखिए इसमें जैसे स्ट्रिप्स डाली हुई है ब्लैक एंड वाइट कलर के साथ में। ऊपर देखेंगे आप तो बढ़िया से यहाँ पे फैन लगा हुआ है। यहाँ पे दिया है पार्टीशन, और ये पार्टीशन आपके लिविंग एरिया को ड्राइंग एरिया से डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे ग्लास का यूज किया है, यहाँ कुछ सीट्स दी है और सामने की तरफ, और फोर्सलिंग का जो काम है वो आप एक बार देख लीजिए। अब यहीं पे ड्राइंग रूम में आप देखेंगे तो यहाँ सामने की तरफ देखिए कर्टेन यहाँ पे दिया हुआ है, और सामने की तरफ आपकी एक विंडो दी हुई है। अब यहाँ से आप अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ आपका लिविंग एरिया है, और लिविंग एरिया में जैसे सोफ़ा वगैरह आप देखिए, सेंटर टेबल, एक 6-7 सीटर आपका सोफ़ा अरेंज किया हुआ है। और इसमें जो डिज़ाइंस है वो बहुत यूनिक है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। वहाँ से आप ये एरिया देखेंगे तो बढ़िया सा एक LED का पैनल यहाँ पे है। सीढ़ियों के नीचे का जो पार्ट है उसे भी देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज किया है, जैसे साइड में आपकी स्टोरेज के लिए कुछ ड्रॉवर वगैरह यहाँ पे दे दिए, कुछ भी आपको अपना सामान स्टोर करना हो। यहाँ कुछ इंटीरियर पार्ट डेकोर किया हुआ है ताकि घर की जो खूबसूरती है वो यहाँ पे बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों आप भी जयपुर शहर में अगर एक अच्छा सा घर परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन किए हुए हैं, वहाँ आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और देखिए वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वैसे तो मुझे पता है आप लाइक वगैरह कर देते हैं। इस वीडियो को अभी आपको लाइक करना है, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए नए नए वीडियो। यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है आपका इतना अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन किया है, बीच में ग्लास की यहाँ पे स्लैब्स दी है। यहाँ अपना कुछ आप आइटम्स रखने चाहो, कुछ भी अपनी नेसेसरी सामान आप यहाँ पे रख सकते हो। अब यहीं से आप देखेंगे तो सामने का जो पार्ट है आपका वॉश बेसिन एरिया, एक बेडरूम कॉमन प्लस अटैच बाथरूम का होने वाला है। पहले हम एक बार किचन देख लेते हैं, और किचन का जो एंट्रेंस है वो देखिए वुडन प्लस कुछ सीट्स का यहाँ पे यूज किया है, कुछ डेकोरेटिव आइटम यहाँ पे रखे हैं। ऊपर की तरफ 2 लैंप लाइट्स दी है, और इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इसी तरह से यहाँ पे सेट किया है कि सुंदरता है जो निखर के आए। यहाँ से आप आगे आइएंगे तो ये आपका किचन है, और इसमें देखिए मोस्टली जो कलर यूज किया है वो आपका वाइट होने वाला है। और किचन कितनी सुंदर लग रही है आप खुद ही यहाँ पे देख पा रहे हैं। जगवार की यहाँ पे आपकी फिटिंग्स है सैनिटरी की,
केबिनेट्स की बात करूं तो देखिए कंप्लीट आपको यहाँ पे वाइट कलर के साथ मिल जाते हैं, डबल लेमिनेट चिमनी यहाँ पे है और सामने की तरफ दो विंडो दी है। ये आपका ड्रॉवर्स का सेक्शन है और इसमें आप देखेंगे तो ऐसे इसका यहाँ पे प्रॉपर काम किया गया है। सॉफ्ट क्लोजर यहाँ पे है, फ्रीज आप यहाँ पे रख लीजिए अपना। और ऊपर की डिजाइन्स में आप देखिए कंसील्ड लाइट्स का यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे जो रेलिंग है उसमें आप देखेंगे तो ग्लास का यूज किया है और जो बीच बीच में जो डिजाइन्स दी है वो बहुत ही इसे सुंदर बना रही है। अब आइए आप एक बार बेडरूम की तरफ। इसमें देखो टोटल आपको जो बेडरूम है वो तीन मिलने वाले हैं, एक यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, दो इसके ऊपर, और सेकंड फ्लोर पे एक रूम है जिसे कि अभी तो तैयार किया गया है एक होम थिएटर के रूप में। बाकी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट है यहाँ भी देखिए एक पार्टीशन दिया है खूबसूरत सा, और यहाँ आपका वॉश बेसिन एरिया, काउंटर टॉप जिसमें कि बढ़िया सा एक मिरर सामने की तरफ, बढ़िया सा यहाँ पे एक वुडन का वर्क। और इसकी जो डिज़ाइन है जैसे वॉश बेसिन की आप डिज़ाइन देखेंगे तो इसमें भी देखिए गोल्डन कलर्स दिए हैं, नीचे की तरफ यहाँ पे वुडन का वर्क किया हुआ है। इस साइड है आपका बाथरूम जो कि कॉमन एंड अटैच दोनों ही तरह से आप यूज कर पाएंगे। वेस्टर्न सीट यहाँ पे है, वेंटिलेशन प्रॉपर है। अब यहाँ आप रूम के भी जैसे डोर्स देखेंगे तो देखिए इनकी फिनिशिंग देखिए आप एक बार कितनी प्यारी है। हैंडल्स वगैरह मॉडर्न आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और बेडरूम में आप आएंगे तो एक डबल बेड यहाँ पे अरेंज किया है और बेड के साथ ही देखिए स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। तो जो घर है यहाँ पे उनमें कोशिश की जाती है कि आपको मैक्सिमम स्टोरेज यहाँ पे दिया जा सके। यहाँ की जो डिजाइंस है वो आपने यहाँ पे देखी। अब देखिए ये जो पार्ट है आपका ड्रेसिंग का, इसमें आप यहाँ पे देखेंगे पीछे की तरफ तो यहाँ भी आपको कोई स्टोरेज के लिए जगह दी है। साइड में आपका वार्डरोब सेक्शन और ये देखिए कंप्लीट आपकी जो हाइट है सीलिंग की वहाँ तक और पूरी वुडन में यहाँ पे तैयार की गई है। ऊपर की डिजाइन से एक बार देखिए, फिर आप देखेंगे यहाँ सामने की तरफ तो यहाँ है आपका एलईडी पैनल, और एलईडी पैनल में भी देखिए आप देखेंगे तो मेटल फिनिश का यहाँ पे लुक दिया है। यहाँ आप अपनी कुछ बुक्स वगैरह रख सकते हैं, कुछ फाइल्स वगैरह या फिर वर्किंग आपका प्लेस इसे बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपका UPVC स्लाइडिंग डोर 3 लेयर के साथ में, और पीछे आपका यूटिलिटी एरिया रहने वाला है, टैप आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट किया अपना ग्राउंड फ्लोर जो कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी इसकी डिजाइंस। देखिए घर बहुत अलग अलग तरीक़ों से डिज़ाइन किया जा सकता है, लेकिन हम देखें अगर साइज़ के हिसाब से 108 गज के हिसाब से तो यार वाकई बहुत ही अच्छे तरीके से इसे एरिया को यूटिलाइज किया है। डिजाइंस जो है इतनी अच्छी देने की यहाँ पे कोशिश की है कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। अब स्टेयर्स में आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे साइड में जो लाइट्स दी है ये भी बहुत ही यूनिक, एंड बीच बीच में यहाँ पे पार्टीशन भी दिए है वुडन का यहाँ पे काम किया है। अब ये है आपका लॉबी एरिया यहाँ पे, और इसे भी देखिए खूबसूरत बनाने के लिए कितना अच्छा काम यहाँ पे करके दिया जा रहा है आपको। आप चाहे वीडियोस लाइक करते हैं या नहीं करते, लेकिन इस वीडियो पे तो यार लाइक बनता है इसकी जो डिजाइंस है उसके लिए। और इसकी डिजाइंस आपने देखिए यहीं से एक बार आप देखिए ऊपर की तरफ का जो व्यू है, जो लुक है वो किस तरीके का है। वैसे तो ऊपर अभी हम चलने भी वाले हैं। यहाँ बैक साइड में एक रूम है, फ्रंट में एक रूम है अटैच्ड बाथ के साथ में, तो पहले एक बार ये रूम आप देखिए। इसमें जो जगह है वो बढ़िया मिल रही है आपको। बेड के साथ ही जो पीछे का जो पार्ट है वो देखिए कितना प्यारा है। यहाँ भी आपको मिल जाता है आपका ड्रेसिंग पार्ट, साथ ही आपकी वार्डरोब।
बेड में स्टोरेज आपको यहाँ भी दिया गया है, वही सेम आपका UPVC स्लाइडिंग डोर, कर्टेंस, LED पैनल, और पैनल के साथ ही यहाँ पे देखिए अलग से रैक्स यहाँ पे दी है, साइड में कुछ लाइटिंग का काम किया गया है, और अटैच्ड है आपका यहाँ पे बाथरूम। तो एक बार बाथरूम आप देखिए दोस्तों। हम कोशिश करते हैं कि आपको वैसी ही प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए जैसे आपको पसंद है, और ऑप्शंस हमारे पास काफ़ी अवेलेबल रहते हैं, जैसे आपका सिक्कर रोड है, कालवाड़ रोड, वैशाली नगर, जगतपुरा। कोशिश करते हैं हम इन सभी जगहों की जो वीडियोज है वो कवर करने की। और आप कहाँ पे जयपुर में सर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टी लिख दीजिए कमेंट में, ताकि हम कोशिश करें उस लोकेशन की भी प्रॉपर्टी आपको दिखाने की। एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे दे दी आपकी वार्डरोब, और फिर है आपका बेडरूम एरिया। ये जो हाउस है ये 15x65 की डायमेंशन में है, 15x65 की डायमेंशन में, और इसमें भी देखिए जो अरेंजमेंट किया है, फर्नीचर वर्क किया है वो किस तरीके का है। सामने की तरफ देख लीजिए एक बार डिजाइंस, एंड यहाँ देखिए चेयर लगा के आप अपना कुछ काम करना चाहे, बुक्स वगैरह या फिर आपका कुछ सामान यहाँ पे स्टोर करना चाहे वो आप कर सकते हैं। अटैच्ड आपका यहाँ भी बाथरूम, ये देखिए। अब बारी है आपके बालकनी एरिया की, और जो बालकनी एरिया है वो यहाँ पे आप देखिए बढ़िया सा सुंदर सा, और बारिश अभी भी हो रही है। सामने की तरफ के जो हाउस है वो भी आप यहाँ से देख लीजिए। और दोस्तों ये हाउस जो अभी हम देख रहे हैं, ये हाउस आपका 108 गज में बना हुआ है, फर्निश्ड है, जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ सेम एजिट आपको मिलने वाला है। इसकी जो रेट है वो 1,35,00,000 रुपए है, और डिटेल्स जो है इसकी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, कॉन्टेक्ट नंबर, तो वहाँ आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब आप आइए आपको मैं दिखाता हूँ जो आपका सेकेंड फ्लोर है वहाँ पे क्या क्या हम कंस्ट्रक्शन आपको करवा के दे रहे हैं। यहाँ भी एक बढ़िया सा आपका लॉबी एरिया देखिए, साइड में एक लाइटिंग का काम, और यहाँ से आप देखेंगे तो कंप्लीट ही आपका ग्राउंड फ्लोर तक ओपन एरिया है। सामने की तरफ आपका ओपन रूफ है, एंड यहाँ बैक साइड में आप आएंगे तो इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करवा रखा है। होम थिएटर के रूप में आप जैसे चाहे उस हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे सोफ़ा अरेंज किए हैं। बैक साइड की वॉल पे आप देखिए पूरा काम सिस्टमेटिक यहाँ पे किया गया है, सीलिंग डिजाइंस आप देख सकते हैं, और फ्रंट का जो काम फ्रंट में जो है इसके सोफ़ा के कुछ इस तरीके की डिजाइंस दी है, वुडन की नीचे की तरफ साइड में स्ट्रिप्स निकाली है, एंड यहाँ भी अटैच आपका रखा है एक बाथरूम एरिया। अब डायरेक्ट चलिए आप यहाँ से सामने की तरफ, और यहाँ पे देखिए कुछ आर्टिफिशियल ग्रास यहाँ पे दी है, कुछ चेयर वगैरह आप यहाँ पे लगा के एक छोटा गार्डन टाइप आप यहाँ पे अपना डेवलप कर सकते हैं। कभी आप यहाँ पे बैठना चाहे आराम से ओपन रूम बैठ सकते हैं, शाम सुबह एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है आपको ये प्रॉपर्टी तो लाइक तो कर ही दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक प्यारी सी प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।